हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत सारी बधाइयाँ। रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में मैं आज लेके आई हूँ आप सबके लिए ट्राई कलर फ्रूट सैलेड की रेसिपी। ट्राई कलर फ्रूट सैलेड बनाने के क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनेगा और देखते हैं। मैं बना रही हूँ रिपब्लिक डे स्पेशल फ्रूट सैलेड। तो ये फ्रूट सैलेड बनाने के लिए मुझे एक तो चाहिए सबसे पहले फ्रेश क्रीम। और ये है मेरे पास ग्रेप्स, ये है मेरे पास एप्पल, ऑरेंज, सबको कट किया हुआ है मैंने छोटे छोटे पीसेस में। और ये है मेरे पास पिसी हुई चीनी 2 चम्मच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ये क्रीम है इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो ये मैंने इसमें 2 चम्मच ये चीनी ऐड कर दी है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये चीनी और विप क्रीम को अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये जो मेरे पास ग्रीन कलर के ग्रेप्स हैं उन्हें मैं इस फ्रूट क्रीम में डाल दूंगी। तो ये मैंने ग्रेप्स फ्रेश क्रीम में डाल दिए हैं अच्छे से। और अब इसे हम फिर से वापस अपनी उसी बाउल में वापस निकालेंगे जिससे हमने इसे लिया था। अब मैंने ग्रेप्स को वापस निकाल लिया फ्रेश क्रीम से। अब इस क्रीम में हम डालेंगे हमारे पास जो एप्पल है और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे। एप्पल को भी हम वापस उसी बाउल में निकाल लेंगे जिससे डालें। अब मैंने ग्रेप्स को भी एप्पल को भी फ्रेश क्रीम में डालकर वापस निकाल लिया। अब ये मेरे पास जो ऑरेंज है उन्हें हम इस क्रीम में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब साथ में इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे केसर कलर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो हमारे पास कितना अच्छा कलर मिला है हमें। और इस बाउल को हम अलग रख देंगे। तो ये हमारे पास केसर कलर रेडी हो गया, वो हमारे पास वाइट कलर, बट अभी ग्रीन हमारे पास नहीं है। तो इस ग्रीन को पहले हम एक बड़े बाउल में डालेंगे। मैंने एक और बाउल लिया है और उसमें हम डालेंगे ये अपने ग्रेप्स जिसको मैंने फ्रेश क्रीम के साथ मिक्स किया हुआ है। और इस पर डालेंगे हम पिस्ता कलर और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छे से आपने मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे पास ग्रीन कलर भी देखो कितना अच्छा रेडी हो जाएगा। तो अब ये मेरे पास तीनों कलर तैयार हो गए। ये मेरे पास ऑरेंज कलर, वाइट कलर एंड ग्रीन कलर। और ये मेरे पास वो ग्लास है जिसमें मैं अपना सैलेड असेंबल करूँ। तो मैं फ्रूट सैलेड अब इस ग्लास में असेंबल करती हूँ। तो मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी ग्रीन कलर, जो मेरे पास ग्रेप्स हैं। अच्छे से हम इस ग्लास में नीचे लेयर बना देंगे इसकी। तो ये मैंने ग्लास में ग्रीन कलर ग्रेप्स डाल दिया और इस तरह से हम टैप कर देंगे जिससे वो आराम से सेट हो जाए। अब हम डालेंगे ग्लास में अपने एप्पल जिसको हमने ऐसे वाइट रखा हुआ है। तो सारे एप्पल हम इस पर ग्रीन कलर को कवर करते हुए डालेंगे ग्लास में। अभी मैंने एप्पल को भी डाल दिया है और ग्लास को फिर से हम ऐसे टैप। तो मैंने इसमें नीचे ग्रेप्स, ऊपर एप्पल डाल दिया और इसे ऐसे टैप कर दिया जिससे वो अंदर तक सेट हो जाए। अब इसके ऊपर डालेंगे हम अपने ऑरेंज को, तो उससे भी हम इस वाइट कलर को पूरा कवर करेंगे। देखो इस तरह से हम इसे पूरा कवर कर देंगे और ग्लास को फिर से इस तरह से टैप करेंगे। तो ये हमारा सैलेड बनके एकदम तैयार हो गया है। तो ये मेरा ट्राई कलर फ्रूट सैलेड बनके एकदम तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ट्राई कलर फ्रूट सैलेड की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल।